आदमी है, हम भी पटरी पे रहना नहीं चाहते हैं। हमें भी जीते जी घर चाहिए, हमें भी कोई रहने की सहूलियत चाहिए। बहुत गरीबी है और बहुत से हमारे साथ हादसे हो चुके हैं। बाकी हम भी गरीब आदमी, हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, या हमारी जरूर भी हमारी सुनना चाहिए हमारी फरियाद। क्या कहना चाहती हैं? हम गरीब आदमी, हमारे रहने के लिए कोई घर मकान प्लाट कुछ भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लाइन की पटरी पर रह रहे हैं जो कि झोपड़ी वाले हैं, पानी आ जाए तो भीग जाते हैं और पानी नहीं आए तो वैसे बैठे रहते, सर्दी में भी मरते हैं, गर्मी में भी मरते हैं। कोई रहने के लिए सुविधा नहीं है। कोई सरकार हमारे गरीब आदमियों के लिए कोई व्यवस्था करे तो बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद है। अच्छा ये बताओ, अभी आप लोगों को तो स्टे मिला हुआ है, फिर अभी क्या प्रॉब्लम हो गया? स्टे मिलने के बाद भी रेलवे सरकार हमारे झुग्गियां तोड़ना चाहती है। पता नहीं रेलवे सरकार को हमसे क्या उत्पत्ति आ रही है कि वो हमारे गरीबों के घर तोड़ना चाहते हैं। पर हम गरीबों को घर तोड़ो कोई बात नहीं है, पर गरीबों को कहीं बसेरा भी तो होना चाहिए। गरीब मर थोड़ी जाएंगे सारे के सारे। वैसे नहीं है कि सारे MLA वगैरह सब अमीर लोग अपने अपने घरों में ढंग से बैठे हैं, गरीब कहाँ मरेगा। अभी मोदी सरकार ने बोला था 2022 तक सबको घर मिलेगा, आप लोगों को कुछ घर मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। अभी पीछे से 2022 में सर्वे के बहाने पैसे लूटने कुछ ले आए थे, तो जितनों गरीबों ने जगा के लालच में सबने पैसे दिए भी, जो सर्वे करने आए थे उसने तो शायद मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार रुपये कैंप से लेके गया है वो। पर अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला कि भाई हमने सर्वे करवाया था तो उसके द्वारा हमें कुछ मिलेगा। देखिए अभी तक कुछ नहीं मिला है और आप लोग यहाँ रह रहे हैं और अभी भी आपके घर को तोड़ने की पूरी साजिश की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ते हैं, हर वक्त आते हैं, हर वक्त तोड़ के चले जाते हैं। पुलिस वालों का मन करता उसी टाइम तोड़ के चले जाते हैं। हम घर से बेघर करके जाते हैं। बारिश आती है जब भीग जाते हैं, ठंड लगती है तो ठंड में मर जाते हैं, गर्मी होती तो पंखे के बगैर भी नहीं रह पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हम क्या करें, हम किसका सहारा लेंगे? सासी कैब इतनी मजबूर है बहुत ज्यादा, हमें तो कहीं घर दे दो या कहीं ऐसा ठिकाना दो जो हम अपनी मेहनत से पक्का मकान बना सके, जो बार बार हमें झुग्गियों में रहना ना पाए। हमें ऐसी अभी आपको कोई घर का गारंटी मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, सरकार सर, अभी तक जगह खाज या घर का कोई गारंटी नहीं है। हम तो बस फुटपाथ पे ऐसे बैठे हैं, 6 महीने से साल से आ जाते हैं और झुग्गी झोपड़े तोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। हमको गरीबों को तोड़ना पड़ता है झुग्गी झोपड़ी, और क्या कर सकते हैं। पुलिस आ जाती है तो बहुत मुसीबत और परेशानी हो जाती है। यहाँ पता नहीं कितने सालों से, 30-25 सालों से बैठे हैं और कई हर घर का सदस्य एक आधा यहाँ पर खत्म हुआ है लाइन के पटरी पे। तो इसका हम यही कहना चाहेंगे, रहने के लिए व्यवस्था थोड़ी सी होनी चाहिए हमारे के लिए। घर नहीं दोगे तो थोड़ी जगह ही दे दो, क्योंकि हम अपना कुछ घर मकान बना सकें अपनी मेहनत से। क्यों जूते चप्पल कोई गांठता है, कोई मेहनत करता है, कोई मजदूरी छोटी मोटी करता है, बूटे पॉलिश कोई काम करता है, तो मतलब गरीब है। इतनी व्यवस्था हमारे लिए होनी चाहिए सर। हम तो इधर जूते चप्पल बनाने वाले सभी कामगार लोग रहते हैं? हाँ जी, कामगार। अच्छा, सब राजस्थान के सर, सारे के सारे मोची हैं? हाँ, मोची हैं जी। और आप लोगों को जो मोची परिवारों को सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है क्या दिल्ली में? नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी सहायता नहीं मिलती। उल्टा सरकार मोची परिवार को देखकर घिन करती है कि मोची परिवार अब खत्म होने वाले थे, पता नहीं अब मोची परिवार कचरा क्यों फैलाती है। ये लोगों का जूता उठाते हैं, गंदा वो जूता उठा उठा के कैसे जी लेते हैं, कैसे खाते हैं, ये हमसे घिन करती है। कितने परिवार होंगे इधर आसपास? इधर हमारे कैंप में 500 घर है। 500 घर है, सभी लोग जो है मोची का काम करते हैं, जूता बनाने का काम करते हैं। जूता बनाने का, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतनी बड़ी बस्ती है। मुश्किल है इधर रहना, परंतु इनकी मजबूरी आज इनको कई सदियों से यहाँ पर रहने को मजबूर कर रही है। और अब ये लोग सब पुनर्वास की मांग करते हैं, हाउसिंग की गारंटी चाहते हैं। इन तमाम लोगों को हाउसिंग की गारंटी मिलनी चाहिए, आवास की गारंटी मिलनी चाहिए, तभी जो है ये लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जी पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, और क्या कहना चाहती हैं? बेटा बहुत दुखी, हमको तो कोई जगह दे दे, मेरे तो लड़का भी मरने वाला पड़ा, देख ले जो की मैं। देख ले
बहुत बुरी स्थिति, कह रहे हैं कि इनके बच्चे की बहुत बुरी हालत है और अभी तक इनको जो है सरकार की तरफ से कोई घर नहीं मिला है। सभी टूटा हुआ हाथ पर उसके टूटे हुए पड़े देख ले, बहुत ही दुखी, हमको तो कोई जगह दे दो। जगह की मांग कर रहे हैं और इस कॉलोनी में रहने वाले तमाम लोगों के लिए आशियाने सरकार को जो है देने चाहिए तत्काल से तत्काल, क्योंकि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े ये तमाम लोग जो है आवास की तरफ निगाहें करके देख रहे हैं, पुनर्वास की तरह अपनी आस बांधे बैठे हैं और ये चाहते हैं कि इनको भी जिंदगी में जो जीवन जीने का अधिकार है वो आवास के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, इनको आवास के अधिकार को तत्काल सरकार को प्रदान करना चाहिए, हाउसिंग की गारंटी देनी चाहिए, आवास के आवास का एक कानून बनाना चाहिए, हाउसिंग की गारंटी का कानून बनाना चाहिए ताकि इन तमाम लोगों को जो है घर मिल सके और इनका आशियाना बन सके। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ मेट्रो जा रही है, आगे ट्रेन चल रही है, बीच में ये लोग पड़े हुए हैं, पर इस गड्ढे के अंदर से निकाल कर सरकार इनको कब मंजिल के अंदर, कब इनको अच्छे से बिल्डिंग के अंदर, कब इनको एक सम्मानजनक घर के अंदर बिठाएगी, यहीं पर सरकार की जीत होती हुई नजर आएगी। अन्यथा जो है सरकार जो वादे कर रही है वो सारे वादे खोखले हो जाएंगे। अगर इनको घर मिल जाएगा तो सरकार की वाहवाही सरकार लूट सकती है।